तो गाइस अब क्राउन जूल के खत्म होने के बाद अब जो हमें कल शो देखने को मिलेगा वो होगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, यानी कि कल का शो होने वाला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये पेपर व्यू के बाद का जो नेक्स्ट शो है। अब इसमें बात करेंगे हम इस वाले वीडियो में कि क्या क्या हो सकता है इस वाले शो में, यानी कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की हाईलाइट्स प्रीव्यू, तो सारा कुछ इस वीडियो में और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और हो सके तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो चलिए इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात शुरू करते हैं स्मैकडाउन में, शुरुआत में हमें देखने को मिला एक सिक्स वुमेन टैग टीम मैच, जहां पे कि निकी क्रॉस, कार्मेला और डैना ब्रूक फेस करेंगी बेली, मैंडी रोज और फिर सोनिया डेविल को। मेरे हिसाब से जो इस मैच के प्रेडिक्शंस हैं, मुझे यहां तक लगता है कि बेली, मैंडी रोज और फिर सोनिया डेविल इस मैच को जीतेंगी, क्योंकि ये टीम देखने में भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगती है। अभी जब बात करें तो इधर की जो टीम है वो पूरी फेस टीम है और इधर की टीम हील टीम है, लेकिन फिर भी मुझे यहां तक लगता है कि हील टीम इस बार जीतने वाली है और इस बार बेली की टीम को मिलेगा जीत। मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन था यही थे। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा एक टैग टीम मैच, जो कि होगा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए स्मैकडाउन की, जहां पर द रिवाइवल फेस करेगी द न्यू डे को और डिफेंड करेगी अपनी टाइटल को। अब यहां पे मुझे जो प्रेडिक्शन है वो है न्यू डे बनेगी कल नए स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन, क्योंकि यहां पे काफ़ी समय हो गया है बिगी और फिर कॉफी किंगस्टन के कंधों पर एक टाइटल नहीं गई है। हालांकि कॉफी किंगस्टन के कंधों पर थी वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन अब टैग टीम टाइटल से काफ़ी ज़्यादा दूरी हो चुकी थी न्यू डे की। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली ये टाइम आ चुका है जब न्यू डे को एक बड़ा और जीत मिलेगी और फिर वो बनेंगे न्यू टैग टीम चैंपियंस, और इस बार होगी वो स्मैकडाउन की वो टैग टीम चैंपियनशिप्स। इसके बारे में बात करें थोड़ा बहुत डिटेल में, तो जेवियर वुड्स भी इंजर्ड है, तो मुझे यहाँ तक लगता है अगर न्यू डे जीतती है तो जेवियर वुड्स उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे लगता है कि न्यू डे इस मैच को जीतेगी। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा मिस्ट्री वी का एक सेगमेंट, जहाँ पे कि स्पेशल गेस्ट होंगे ब्रे वायट। अब ब्रे वायट से आप ये मत समझ लो कि द फीड आएंगे मिस्ट्री में, देखो फीड और फिर ब्रे वायट दो कैरेक्टर्स हैं, तो द फीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेड मॉन्स्टर्स टाइप है, लेकिन जो ब्रे वायट है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, जो कि हमें फायरफ्लाई फन हाउस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मिस्ट्री में वही फायरफ्लाई फन हाउस वाला ब्रे वायट हमें देखने को मिलेगा विद द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हो सकती हैं मिस के साथ ब्रे वायट की, और शायद हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाए कि आने वाले समय में ब्रे वायट का कौन अपोनेंट हो सकता है, कुछ ऐसा टीजिंग भी हो जाए या फिर कुछ अपोनेंट की क्लियरेंस भी दे सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं मिस टीम में, तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो उसके बाद जो सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा वो होगा 24/7 टाइटल का। यहाँ पे जैसे कि हमने क्राउन जोन में देखा दो बार टाइटल चेंज हुए 24/7 के, और आखिर में जो टाइटल है वो है समीर सिंह के पास। तो अब ऐसा हो सकता है कल स्मैकडाउन में कि एक बार फिर से हमें 24/7 टाइटल का सेगमेंट देखने को मिले और यहाँ पे समीर सिंह जो है वो टाइटल हार जाएंगे आर्थ रूथ से, और आर्थ रूथ में भी 22 या 23 टाइम 24/7 चैंपियन बन जाएंगे। अब यहाँ पे वैसे भी 24/7 टाइटल का जो सेगमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग होता है और एक बार और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि एक 24/7 टाइटल का सेगमेंट भी होगा। उसके बाद हमें जैसे हमने क्राउन जूल में देखा ब्रॉक लेसनर और फिर रे मिस्ट्री के बीच में कॉन्फ्रंटेशन, तो ऐसा हो सकता है कि फिर से एक बार हमें ये कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिले स्मैकडाउन में। ब्रॉक लेसनर एक प्रोमो कट करें जहाँ पे कि उन्हें इंटरफेरेंस कर सकते हैं रे मिस्ट्री, या फिर रे मिस्ट्री एक प्रोमो कट करें और वहाँ पे उन्हें इंटरफेरेंस दे सकते हैं ब्रॉक लेसनर, और बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद केन वेलास्केस का भी हाथ हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले समय में डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान जरूर करेगी इस वाली राइवलरी को आगे ले जाने की, क्योंकि एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है हमें ब्रॉक लेसनर फिर उस बार रे मिस्ट्री और फिर केन वेलास्केस के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें भी हो रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के बीच में। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर ये हो जाता है स्मैकडाउन में कल। तो उसके बाद मेन इवेंट में हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस और फिर बैरन कॉर्बिन के बीच में मैच। अब इसके बारे में थोड़ी बात कर ले, तो हमने अभी से एक वीक पहले जो स्मैकडाउन हुआ था तो वहाँ पे हमने देखा था टीम हॉगन और फिर टीम फ्लेयर के मैच का एक छोटा सा प्रीव्यू। उसके बाद रोमन्स का इंटरव्यू था डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकस्टेज ऑन FS1, तो वहाँ पे बैरन कॉर्बिन ने रोमन्स को ब्लाइंडसाइडर अटैक किया था, जिस वजह से इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसी टाइम फिक्स कर दिया था रोमन्स और फिर किंग कॉर्बिन के बीच में। तो अब ये होगा मैच स्मैकडाउन के मेन इवेंट में कल। तो अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाएंगी कि मुझे यहाँ तक लगता है कि रोमन्स कड़ी टक्कर तो वैसे भी देंगे, लेकिन यहाँ पे बैरन कॉर्बिन की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर मिलने वाली है। ओवरऑल एज यूजुअल हम सब जानते हैं कि द बिग डॉग को इस मैच में विन मिल सकती है और फिर द बिग डॉग इस मैच को जीतेंगे। इतनी आसानी से ये राइवलरी अभी नहीं खत्म होने वाली है, मुझे यहाँ तक लगता है बैरन कॉर्बिन फिर से ब्लाइंड साइड अटैक कर सकते हैं रोमन को, और ये राइवलरी भी आगे जा सकती है और आने वाले समय में हम इसका एक और नया चैप्टर भी ओपन होते हुए देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मेरी प्रेडिक्शंस और हाईलाइट्स प्रीव्यू यही थी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो थोड़ी ही पसंद आती है तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और हो सके तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। ओवरऑल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अब अपने आने वाली अगली वीडियो में।